तो खटक साहब, आप टीचर हैं हमारे, बताइए अभी हम क्या करने वाले हैं। सर आप सबसे पहले स्प्रेड सैंपल पे जाएंगे। वहाँ से जिस हिसाब का हमने वेबसाइट बनाना होगा, मतलब उस कैटेगरी का कोई भी वेबसाइट हम चूज़ करेंगे जी जी और फिर उसको अपने रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक मॉडिफाई करेंगे। गुड। मिस यमुना, ये स्प्रेड सिंपल क्या चीज़ है? जमना, आपको मेरी आवाज आ रही है? मिस यमुना, आपकी मुझे आवाज नहीं आ रही है। आई गेस दूसरे दोस्त। अच्छा, एक मिस यमुना ने वेबसाइट दी थी, एक खाटे साहब आपने दी थी, और तीसरा बच्चा कौन था? मिस कैरमेलो, आपने भी वेबसाइट दी थी? यस सर, गुड मर्जिया नाम है। जी। आपका ना वो कैरमेलो लिखा रहता है, यस तो इसलिए मैं गलती से वही कह देता हूँ। अच्छा, सो मिस मर्जिया, आज की जो हमारी एक्सरसाइज है ना, इसमें आप तीनों ने मुझे सिखाना है कि वेबसाइट कैसे बनाई है, क्यों बनाई है, इसका फ़ायदा क्या होगा। ठीक है, ओके सर। गुड। चलें दोबारा से चलते हैं। मिस चंदा, काइंडली दोबारा से वही पेज खोलें और उसी पेज पे रुके, स्पेड सिंपल वाले पेज पे। गुड, ओके। तो मिस मर्जिया, कुछ काइंडली डिफाइन कीजिए स्पेड सिंपल क्या चीज़ क्या है और इसका हमें क्या फ़ायदा होगा। सर यहाँ पे हम फ्री में ना वेबसाइट्स बना सकते हैं, हमें पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं होती। ओके, तो क्या इस पे मुझे कोडिंग वगैरह आनी चाहिए या इसका फ़ायदा क्या है? वो तो मैं नहीं, वर्डपैड, कोडिंग कोडिंग की ज़रूरत नहीं है, बस हमने किसी भी टेम्पलेट को चूज़ करना है, उस पर एडिटिंग करनी है, सेव करना है, एंड वेबसाइट तैयार हो गई है। ओके, गुड गुड। अच्छा, तो मैं आपके पास क्लाइंट आया हूँ और मुझे चाहिए एक वेबसाइट ताकि मैं अपना सॉफ्टवेयर बेच सकूँ या फिर मैं अपने कपड़े बेच सकूँ। ठीक है, तो खटक साहब, क्या करूं मैं उस तक के अवसर के लिए? सर हम आपको एक सैंपल दिखाएंगे क्लॉथिंग स्टोर की, तो उसको आप देखेंगे, उसका मतलब डिज़ाइन वगैरह आप जो पसंद करेंगे उसके बाद हम आपकी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक उसको मॉडिफाई करेंगे। सबसे पहले हम स्प्रेड सैंपल पे जाएंगे और टेम्पलेट्स में से ऑनलाइन स्टोर देखेंगे, क्लॉथिंग स्टोर या ब्रांड का कोई स्टोर, वेरी गुड तो आंसर, उसको मॉडिफाई शाबाश, करेंगे। माशाल्लाह, आपने बहुत अच्छा आंसर दिया खटक साहब, एकदम परफेक्ट। आप सब दोस्तों को सुनाई दिया था ये आंसर ना? यस सर। गुड, काइंडली सब दोस्त जो है अपने फीडबैक दिया करें, क्योंकि देखें हमारी कॉल ऑनलाइन नहीं हो रही है, होना तो ये चाहिए। आप सब लोग अपनी वीडियो भी शेयर करें ताकि मैं आप लोगों के गंदे मुंह देख सकूं कि आप लोगों के मुंह पे भी क्या सैंपल्स आ रहे हैं, आप लोगों को समझ आ रही है कि नहीं आ रही है, और कोई इश्यू है तो मैं बता सकूं। आप लोग तो वॉइस भी शेयर नहीं करते हैं ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि आप लोगों को बात समझ में आई है कि नहीं आई है। तो काइंडली ज़्यादा से ज़्यादा फीडबैक दिया करें, ये आप सब लोगों के भले के लिए होगा। ठीक है, ओके गुड गुड। जी सर। ओके, तो यार माशाल्लाह खटक साहब ने बहुत अच्छा आंसर दिया। ओके खटक साहब ने बताया हमें कि हम वेबसाइट, अगर क्लाइंट आता है तो उससे डील कैसे करना है। तो खटक साहब, मैं आया हूँ, मुझे वेबसाइट डील करनी है, आपके सामने आपकी टीम है, तो आप मुझे इंटरटेन करें और मुझे वेबसाइट सैम्पल सिखाएं। मिस चंदा, आप जरा स्प्रेड सैंपल के मेन पेज पे जाएं, वहां से टेम्पलेट, ये ऐड नई वेबसाइट करें जी, और फॉर मोर टेम्पलेट्स। हाँ ये क्लॉथिंग स्टोर वाली, आप यूज टेम्पलेट ओपन करें। व्यू करें पहले, व्यू। चलो, उन्होंने यूज़ कर लिया, कोई बात नहीं। अच्छा ओके खटक साहब, आप रुक जाएं, अब मिस जमुना आप आगे गाइड करेंगे कि ये इन्होंने यूज़ कर लिया, अब आगे क्या करना है हमने।
मिस यमुना कहाँ चले गए हैं आप? कॉल पे हैं आप? हमें आपकी आवाज़ नहीं आ रही। अच्छा चलें मिस मजिया, आप गाइड करें मिस चंदा को आगे क्या करना है इन्होंने। आप एडिट गूगल शीट पे क्लिक करो। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये जो एस के यू वाला कॉलम है, इसमें टी शर्ट को हमने एडिट करने ये वाली नहीं चाहिए, तो जी आप उसमें जो चाहिए वो मतलब इसको लिखो वहाँ पे। अच्छा, एक सेकेंड रुके मिस मजिया, काइंडली मिस चंदा अपने पिछले पेज पे जाएंगे आप। मिस मजिया मुझे तो ये फोटो ही गंदी लग रही है, मैं तो जीन्स बेचता ही नहीं हूँ, मैं तो बेचता ही सिर्फ सिर्फ टी शर्ट्स हूँ, तो मुझे तो फोटो ऊपर आपकी भी यहाँ गंदी ही लग रही है, तो फोटो कैसे चेंज कर दूंगा मैं? इन्होंने यहाँ पे कंटेंट खोला हुआ है, ऊपर इसके ऊपर ही है डिजाइन का लोगो, उसको क्लिक करना है। मिस चंदा आपको सुनाई दे रहा है क्या क्या मिस? ये साइड पे जहाँ पे कंटेंट चेकआउट डिजाइन लिखा है वहां पे डिजाइन को क्लिक करो। एडिट गूगल शीट के लेफ्ट साइड पे। लेफ्ट टॉप कॉर्नर। थैंक यू खड़क साहब, आगे अब क्या यहाँ करेंगे पे मसिया? होम पेज इंट्रो में जाना है। गुड, इधर आ जाओ यार, इधर आ जाओ नंबर से क्लिक करो। अब नीचे जाओ, यहाँ पे लोगो में आई गेस खटक साहब सही बता रहे हैं? ये नहीं जी सर, लोगो में तो पिक्चर नहीं होगा, ये तो बैकग्राउंड पिक्चर है, कवर इमेज में। कवर। जी शाबाश। तो खटक यहाँ पे अब साहब, आपको सॉरी मिस चलो मजिए एक सेकंड, तो खटक साहब अगर जी मुझे सर। लोगो चेंज करना होता, ये अपैरल स्टोर की जगह उन्हें लिखना होता सूफी स्टोर, तो क्या करता मैं? सर तो ये लोगो यहाँ से अपलोड कर लेते हम, लोगो इसमें तो ऐड नहीं किया हुआ इन्होंने, लेकिन लोगो इसके साथ आ जाते फिर। शाबाश, वेरी गुड। जी मिस मजिया प्लीज कंटिन्यू। अब यहाँ पे जो आपको चाहिए कवर इमेज वो आप गूगल से ले लो या आपको जहाँ से सूटेबल लगता है, अगर आपको कोई पसंद है वहाँ से वो सेव करके यहाँ पे अपलोड कर लेना। वेरी गुड आंसर, वेरी गुड आंसर मिस मजिया, अब एक सेकंड रुके। मिस अनुषा आप हमारे साथ क्लास में हैं यस सर। अभी भी? ये बताएं कि मुझे अब टी शर्ट्स के लिए एक इमेज चाहिए चंदा को, तो वो कैसे यहाँ पे लगा सकती है? उन्हें एक फ़ोटो लगवाएं था। यहाँ पर ये कोई भी ये अपलोड वाला जो ऑप्शन है ना, इसको क्लिक करके कोई भी लिंक डाल सकते हैं यहाँ पे, अगर आपकी कोई गैलरी वगैरह में, वो तो नहीं डलेगी लेकिन ये जैसे यहाँ पे HTTPS करके लिंक है, यही लिंक कोई और भी जो भी डालनी है उसका लिंक यूज होगा। अच्छा, क्या ये सही बता रहे हैं ऐसा खटक साहब? सर हम गैलरी से भी अपलोड कर सकते हैं और इधर से भी हो सकते हैं, और लिंक भी हम ऐड कर सकते हैं किसी भी वेबसाइट से। ठीक हो गया। चले मिस अनुष कवाएं टी शर्ट्स की एक फ़ोटो ऐड करवाएं तो बैनर, याद जी है एक सर। कवर इमेज बैनर लगेगा, सोलो इमेज नहीं लगेगी। बैनर और सोलो इमेज में फ़र्क है पता है हम सब दोस्तों को ना? जो होती है ना कवर इमेज, वो बैनर की तरह होती है, जैसा कि अक्सर सड़कों पे लगे होते हैं, लंबे होते हैं और उनकी चौड़ाई कम होती है। इमेज जो होती है नॉर्मली उनके साइजेस डिफरेंट होते हैं, वो वर्टिकल पोर्ट्रेट होती है या फिर 1080 बाई 1080 होती हैं, तो ये बैनर्स हैं इस तरह। शाबाश। ओके चलें मिस अनुष, अब एक बैनर यहाँ से गैलरी में लेके जाएं, जिसने आप कह रही हैं वो मुझे वो लगा के दिखाएं वैसा। सर, ये थर्ड वन आप सेलेक्ट कर लो। चलो अब इसको आपने ओपन किया, मिस चंदा, आपने आप बिल्कुल वो करना है जो कॉपी मिस अनुष कह रही हैं, अपनी तरफ से कुछ ना कीजिएगा कॉपी चेंज। इमेज एड्रेस करना, कॉपी इमेज एड्रेस। ओके उसके बाद फिर ये यहाँ पर पेस्ट कर दे जहाँ पर आपने लगानी है, और लोगो पे कवर फोटो पे। जी इसको क्लिक करना। Had you paste the link? एक
रुके, मिस चंदा आप एक काम करते हैं जरा, आप अपलोड का बटन दबाएं जी सर। जी, वापस जगह वहीं पे जाएं, अपना माइक्रोफोन जो है ना उसे ऑन ही रखें और दबाएं ओके उसी सर। जगह पे जाएं, अपलोड का बटन दबाएं। हाँ जी, क्लिक करें और यहाँ पे जो फाइल नेम है ना, फाइल नेम पे जाके एक वो कंट्रोल वी करें, ओके करें, ओपन करें। ठीक है, अब ये आपने वो काम किया जो कि मिस अनुष कहना चाह रही थी, ठीक है, बट मिस अनुष ये तो फाइल नहीं ओपन हो रही, अब कैसे हम इसे लगा सकेंगे यहाँ पे? नो आईडी। अच्छा मैं बताता हूँ आप लोगों ने गलती क्या की है, आप इस जगह पे डायरेक्ट इमेज यूएल के थ्रू नहीं लगा सकते, आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, एक तो ऑप्शन है कि आप अनस्प्लैश जो कि एक सही इमेज प्रोवाइडर है वहाँ से इमेज पकड़ के डायरेक्ट लगा दें, दूसरा तरीका ये कि इमेज को पहले डाउनलोड करें, वो आपकी गैलरी में आ जाएगी या आपके डाउनलोड से फोल्डर में, फिर वहाँ से आप अपलोड कर सकते हैं। मैं आपको दोनों मेथड दिखाता हूँ। मिस चंदा काइंडली वो जो जी गूगल सर। गूगल वाली लिंक खोली थी वहाँ पे जाएं जहाँ पे आपने इमेज सर्च की थी। यस, यहाँ पे इस इमेज को ओपन इमेज इन न्यू टैब करें राइट क्लिक करके, ओपन इमेज इन न्यू टैब, ये सेवन्थ ऑप्शन होगा, नहीं, वही खोल, वापस वहीं पे जाएं, यहाँ से इमेज को ओपन करें राइट क्लिक करें, राइट जी क्लिक करें, इसको ओपन इमेज इन न्यू टैब है ये वाला ऑप्शन जी, इसको दबाएं। ठीक है, अब ये इमेज आपकी ओपन हो जाएगी, क्लिक करें इसको, नहीं नेक्स्ट वन, इसको बंद कर दें, ये इसको सेव कर लें, कंट्रोल एस करें या फिर राइट क्लिक करके सेव इमेज एस करें। ठीक है, इसको सेव कर लें, अब इसको बता दें कहाँ सेव करना है, आई वुड से डेस्कटॉप पे सेव कर लें इसको ताकि ढूंढने में आपको आसानी होगी। डेस्कटॉप का ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको मिस जी, बस इसको क्लिक यस करें सर। सेव कर लें। ठीक है, अब हमारी इमेज होगी सेव, अब इन सबको आप बंद कर दें और स्प्रेड सिंपल वाले पेज पे चले जाएं। गुड, अब वापस अपलोड का बटन दबाएं, अपलोड का बटन दबाएं, वो जो इमेज हमने डेस्कटॉप पे सेव की थी उसको जाके क्लिक करें। जी, डबल क्लिक कर लें, ओपन कर लें, आपकी इमेज एक दो सेकंड में अपलोड होके चेंज हो जाएगी। ये मेथड सब दोस्तों समझ में आ गया? ओके सर। नो, यस सेकंड जी मेथड सर। इज यूजिंग द अनसप्लैश वन, आई लाइक दैट वन बेटर। अब अगेन अनसब्सक्राइब। जी, वापस वहीं पे जाएं, अब वो अपलोड और नहीं, उसी स्प्रेड सिंपल वाले पेज पे जाएं, छोड़ दें इसको। यस, यहाँ पे अपलोड का बटन दबाएं जी, अब यहाँ पे सर्च में ना ये जो ऊपर आपने यूआर लिखी हुई है इसको रिमूव कर दें, कंट्रोल ए करके सबको रिमूव कर देना एक साथ। हाँ जी, अभी रिमूव कर दें, गुड। अब यहाँ पे लिखें टी शर्ट, आप सर्च करें इसको, अब ये आपके पास टी शर्ट्स की आ गई। ठीक है, लेट्स गो विद द सेकेंड वन, ये जो पार्कर, देवन हाँ जी, इसको क्लिक करें। अब ये बता, सारी अनसप्लैश से आ रहे थे हमें ऑप्शन। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये सारे जो ऑप्शंस आए थे ये एक सब अनसप्लैश एक वेबसाइट है जो कि फ्री इमेजेस और जी वीडियोस प्रोवाइड करती है, ये वहाँ से आ रहे थे। अब हमें ये बताइए ओके सर। इमेज चेंज करने में कितना टाइम लगा है? कुछ सेकंड। जी एग्जैक्टली, तो बेसिकली इन सब चीज़ों को जब हम बार बार गो थ्रू कर लेते हैं तो हमें इजी होगा। यहाँ तक किसी को कोई मसला? नो सर। एवरीवन इज क्लियर, गुड, हो गया, नो सर। ठीक है, क्लियर। चलें लेट्स प्रोसीड फर्दर। खटक साहब प्लीज टेक द क्लास अवे। जी सर। आगे बताएं आगे क्या करना है। सर नेक्स्ट, अभी आपने हमने कैटलॉग में अगर चेंजेस करनी है तो शीट पे जाएंगे, और अगर हमने नाम वगैरह चेंज करना है, अपने स्टोर का कस्टमाइज्ड नाम रखना है, जी तो कंटेंट में जाके सारी चीज़ें हम चेंज करेंगे इसकी। ठीक है, मिस चंदा कंटेंट में जाएं। सर अगर लोगो चेंज करना हो।
गुड तो गुड लोग यहाँ से क्वेश्चन। अपलोड करेंगे, ठीक है सामने अपलोड लोगो कोई भी टी शर्ट स्टोर का या भी ब्रांड का लोगो, उस तरह का हम लोगो डिजाइन देखेंगे और वो अपलोड कर देंगे, अपनी भी हम बना सकते हैं। गुड, समझ में आ गई सब बात दोस्तों को? यस सर गुड गुड जी ओके। तो मिस चंदा, लेट्स चेंज कंटेंट फॉर नाउ। कंटेंट में जाए, ओके सर ओके सर अब एक सेकंड रुके। नाउ मिस मजिया, मिस अनुष, मुझे कंटेंट बताएं कि मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, कैसी बातें लिखूंगा यहाँ पे। और मिस चंदा, ये आई एग्री का बटन दबा दें ताकि ये चीज़ हमें देखना बंद हो। ओके ओके, मिस अनुष काइंडली बताएं कि अपैरल स्टोर और फैशन बेसिक्स फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर, इसकी जगह कोई और हेडिंग और टाइटल दे दीजिए मुझे, सब टाइटल। मिस अनुष, आप हमारे साथ हैं? यस सर तो अपैरल स्टोर की जगह कोई नाम बताएं जो मैं अपनी दुकान को दूं। टी शर्ट स्टोर है, रख दे टी स्टोर है रख दे। जी मिस चंदा, चेंज करें डेटा। सर। खटक साहब बताएं कहाँ पे चेंज होगा ये। नहीं, यहाँ पे नहीं होगा मिस चंदा, यहाँ पे नहीं आपका होगा, आप रुक जाओ। एड्रेस डिस्ट्रिक्ट कर या डिजाइन में ये होगा जी बिल्कुल बिल्कुल सही था। मिस जाए डिजाइन में जाए। गुड, अब 1 मिनट रुक जाए मिस चंदा। चले मिस मजिया, आप काइंडली बताएं कि इसका नाम कैसे चेंज करूं मैं। सर। मैं जी, आप पेज टाइटल में अपैरल स्टोर लिखा हुआ है, जी इसको एडिट करके जो नाम उन्होंने बताया अनुज ने वो लिख लेंगे। सर चले चंदा करो। क्या नाम बताया था उन्होंने? अनुष, टी स्टोर TEE है। ठीक TEE आ गए आ गए। नेक्स्ट कपड़े गंदे हो रहे हैं उसके। ये भी चेंज करना। जी बिल्कुल। सबटाइटल बेसिकली जो ऊपर आपने चेंज किया ना टी स्टोर, ये इसका टाइटल था। सब टाइटल होता है जो उसको सस्टेन कर रहे हैं, उसको प्रमोट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, टी शर्ट्स फॉर योर फैशन ब्रांड, या टी शर्ट्स फॉर योर फैशन सेंस, या कोई भी संगी चवली मार दो जो कि आपको लगता है कस्टमर को पसंद आएगी। कोई भी ऐसा जुमला बोल दो जो कि उसके रिलेट करेगा, तो ये आपका सब टाइटल हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है हम दोस्तों को ना? यस गुड, जी सर। चले लेट्स गो विद इट। मिस अनुज, कुछ आपके दिमाग में आ रही है बात तो बताएं, नहीं तो हम आगे चलते हैं। लेट मी थिंक। यू आर टेकिंग टू मच टाइम, कुछ भी इधर डाल देते हैं। मिस चंदा, अभी के लिए इसको ऐसे रहने। तो मिस अनुष जो है सोच रही हैं, उन्हें 1-2 घंटा लगेगा, तो मीनवाइल हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है? आप वैसे सब दोस्तों समय में आ गए, चेंजेस में कितना टाइम लगेगा, या कैसे करेंगे चेंजेस? सॉरी, जी सर यस चले मैं ये एक एक स्टेप आप लोगों से इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आप लोगों को किसी कोई टेंशन ना आए, वो आप लोगों को समझ आए कितना आसान काम है ये, ठीक है? आगे चलते हैं। सर ठीक अब हबीबी, मेरे पास जो है अमेजोन पे मैंने लगाए हुए प्रोडक्ट्स, और वहाँ पे भाई कमाल कमाल की शर्टें लगाई हुई हैं, या हो दराज पे कुछ लगाए हुए हैं। आप लोगों ने ना
वो इधर मुझे प्रोडक्ट्स लगाने में हेल्प करनी है, कर लेंगे? जी सर। चले चले, पहले दराज पे चलते हैं। चंदा काइंडली दराज .com खोलो, दराज .pk सॉरी। यहाँ पे टी शर्ट सर्च करें आप, और मिस मजिया यहाँ से मुझे कुछ, आओ मिस यमुना आप काइंडली यहाँ से कुछ टी शर्ट्स लगा के दें मुझे, प्याई प्याई सी। चंदा रुक जाओ 1 मिनट, मजी आप क्लास में हो ना? यस सर। जब एक आधी टी शर्ट, लेट से ये बैटमैन वाली टी शर्ट लगा के दो वेबसाइट में, कैसे लगाएंगे? ये जो इसका टी शर्ट को क्लिक करो, बैटमैन अमेजिंग स्मार्ट फिट टी शर्ट जो है। अब अगर हमने इसको मतलब टी शर्ट का प्राइस लगाना है, तो फिर हम वहाँ पे ओपन लिंक के न्यू टैब में इसको अपलोड, मतलब वहाँ से करके वहाँ अपलोड कर देंगे, और फिर साथ में हम दराज का लिंक लगा देंगे। मिस लगवाए ना, मैं आप चंदा आपकी इस वक्त वो एम्प्लॉई है, हमसे कब आके दिखाएं मुझे एक पूरा ये प्रोडक्ट लगवाएं आप। इसको सर्च कर ओपन लिंक के न्यू, राइट क्लिक करके ओपन लिंक के न्यू टैब। नहीं मिस चंदा वो कह रही है इमेज को, आई थिंक यस अपन इमेज। नहीं आ रहा, नहीं, इस पे नहीं आ रहा। तो शायद हम ऊपर वाला जो ऊपर का इसका लिंक है नहीं, उसको। और कोई मसला नहीं, मैं आपको उसका भी हल बता देता हूँ। बाकी यार डेटा पहले चेंज करवा दें आप, ये आके पे मैं करवाता हूँ आपका। नहीं मिस चंदा आप ना करें, मिस मजिया आप इसका टाइटल, इसकी प्राइस और इसकी डिटेल्स चेंज करवाएं पहले, तस्वीर हम बाद में करते हैं। स्प्रेड सिंपल में आप जाओ, कंटेंट, अभी हम प्राइस जो वहां पे लिखी हुई थी 320, आरएस 3 रुपीज से 20। मिस कह रहे लो सॉरी मिस मजिया, हम कहीं गलती कर रहे हैं, कोई और दोस्त बताएगा हम क्या गलती कर रहे हैं? सर हम शीट पे जाके चेंजेस करेंगे, अगर हमने वेरी गुड बटन आंसर, लॉक वेरी को चेंज करेंगे। गुड आंसर। और मिस यमुना आप अभी क्लास में हैं? पता नहीं, माइक्रोफोन का इशू है। चले मिस चंदा आप काइंडली शीट ओपन करें, और खोली हुई आपने सेकंड पेज में, गुड ओके। और अच्छा मिस चंदा प्रेस कंट्रोल सी ऑन योर कीबोर्ड, कंट्रोल प्लस वही सी, क्या आगे नंबर लिखवा के मोटर आ जाओ। जी का था आपने, जी दबाया कंट्रोल और जी, हाँ गुड ओके। चले अब मिस मजिया इसका टाइटल चेंज करवाएं पहली शर्ट का, बैटमैन टी शर्ट लिख दो आप यहाँ पर टाइटल यहाँ पे लिखा जाएगा एसक्यू के अंडर। में, सात वाला कॉलम टाइटल। मिस मजिया वो गलती कर रही है, उसको सही कहो। इस कॉलम में नहीं लिखना, जो सात वाला कॉलम है टाइटल उसके अंदर लिखना है बैटमैन टी शर्ट। शाबाश,
देखें, आपने मिस चंदा को यूं ट्रीट करना जिस तरह कि वो एक 5 साल का बच्चे है, और आपने एक एक स्टेप बताए, उससे फ़ायदा ये होगा कि वो भी समझेंगे, मैं भी समझूंगा कि क्या हो रहा है इधर, ठीक है। ओके सर, अब देखें, अब उन्होंने स्पेलिंग जो लिखा है ना वो गलत लिखे हैं, तो अगर आपने इधर उन्हें स्पेलिंग लिखने मुझे कहा होता कि यार दराज से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दो, तो गलती की गुंजाइश ना होती। यस सर, समझ रहे बात मेरी? तो इन यस चीज़ों सर, को गो थ्रू करो, क्योंकि अभी एक आधा प्रोडक्ट तो आप लिख लोगे, बैटमैन लिख लिया आपने, आगे लिख दिया, बट जब आपके पास हंड्रेड्स ऑफ प्रोडक्ट्स होंगे, आपने हंड्रेड्स प्रोडक्ट अपनी वेबसाइट पे लगाने हैं, तो आप उन सबकी स्पेलिंग की गलतियों बचने का यही तरीका है, आप पहले से लिखा हो, वहाँ से कॉपी करो, यहाँ पे इसको गलती की गुंजाइश ही ना हो, ठीक है। ओके सर, उम्मीद है सब दोस्तों की बात समझ में आ रही होगी। चले अब लिख, बैट्समैन के स्पेलिंग ठीक कर लो, आई वुड एडवाइस यू BASMN के दरा से कॉपी करो उधर यार। से कॉपी करके पेस्ट कर दें हाँ डायरेक्ट। खटक साहब उन्हें करवाने दे दो, मजिया ये दराज से कॉपी करवा के दो। ओके, दराज के लिंक पे जाओ वापस, दराज के टैब पे। ये बैट्समैन अमेजिंग स्मार्ट जो लिखा है वही है, इसको कंट्रोल प्रेस सी पहले नहीं, कंट्रोल सी से नहीं होगा, सेलेक्ट करो, पहले सिलेक्ट होगा। चंदा कॉपी करने पूरी का पूरा आसान तरीका ही है। नहीं, वापस जाओ चंदा, तो रुको, वापस जाओ। इसको ना सेलेक्ट करने का तरीका ये कि इसके ऊपर ना आप 3 दफ़ा क्लिक करोगे ना जब जल्दी से, तो ये पूरी लाइन कॉपी हो जाएगी। हाँ अभी देखो पूरी लाइन सेलेक्ट हो गई, ठीक है बेटा। तो कंट्रोल आप सी। हाँ अब कंट्रोल सी दबाओ या राइट क्लिक करके कॉपी कर लो। अब वहाँ पे जाए पेस्ट करोगे तो पूरी पूरी लाइन आ कंट्रोल वी, जाएगी। वहां पे आपने कंट्रोल वी करना है। हाँ शाबाश शाबाश, गुड जॉब, अब नेक्स्ट कॉलम है प्राइस का, वहां शाबाश। पर प्राइस क्या लिखी हुई थी मैंने देखी नहीं। 349 लगा लो। ₹349, कैपिटल R और S, ऐसे स्मॉल शाबाश, है। ऑयल प्राइस में नेक्स्ट कॉलम है ₹400, कर लो। अच्छा एक मिनट रुको, अल्लाह वाला के चंदा, अगर आप यूं करोगे ना, इसको रिमूव करोगे, तो आपको कोडिंग नहीं करनी आएगी इसकी। आप नोटिस को नीचे ना एक स्पेशल कोड के जरिए इन्होंने लिखा हुआ है, पहले 2 दफ़ा वो सिंपल्स है, फिर वो जो वैल्यू है वो है, फिर वो सिंपल्स है, तो आपने इसी स्पेसिफिक कोड को यूज़ करते हुए लिखना है। तो मेरा मशवरा ये है कि इसको रिमूव करने की वजह से क्लिक करो और उस पर जाकर चेंजेस करो। आप साइट पे क्लिक करके कंट्रोल सी करोगे ना, पहले वाली आ जाएगी फाइल। आप कंट्रोल सी दबाओ। हाँ अब देखो इसमें जाओ, डबल क्लिक करो इस वैल्यू को, यहाँ पे एक सेकंड रुक के, ऊपर आपको FX दिखाई दे रहा है, ऊपर थोड़ा सा लेफ्ट साइड पे FX लिखा होगा, मिस चंदा ऊपर ना, अब थोड़ा सा माउस ऊपर करेंगे तो ये FX लिखा हुआ है, FX के आगे, हाँ यहाँ पे, अब यहाँ पे आप जाओ क्लिक करो, और यहाँ पे जहाँ पे एक लिखा हुआ है उसे मूव कर दो, जहाँ पे डॉलर यूरोपियन साइन है, यूरो साइन है, उसकी जगह RS कर दो, और ये डॉट मूव कर दो, यहाँ आपका 400 बन जाएगा। हाँ जी, इसको मूव कर दें और RS लिख दें, RS 400। शाबाश, गुड, इंटर कर दो, बस आगे चले जाओ। अब वाह नेक्स्ट कॉलम टाइप में वो टी शर्ट ही है, जी, उससे नेक्स्ट कॉलम रेड, वो रेड को एडिट करके ब्लैक कर दो। मेरा साइज स्मॉल नहीं, मेरा साइज लार्ज है। यहाँ पे फिर S को करके L कर देंगे, शाबाश, और स्टॉक मेरे पास 10 शर्ट हो गए। वहाँ पे 10 लिख देंगे, स्टॉक के कॉलम में 10। शाबाश, गुड अब यहाँ पे इमेज करनी है, गुड। अच्छा अब इमेज के ऊपर आते हैं, ये है ना,
खटक साहब, जो दराज की इमेजेस होती हैं प्रोटेक्टेड होती हैं, इनको आप डायरेक्ट जी डाउनलोड नहीं कर सर। सकते, तो प्रोटेक्टेड इमेज डाउनलोड करने का तरीका आपको पता है क्या है? नो सर। मैं आपको गाइड करता हूँ, तो मिस मर्जिया काइंडली दराज वाली प्रोडक्ट पे जाएं। हाँ जी, थैंक यू। ओके, तो मिस एवरीवन लिसन हियर, जो इमेजेस होती है ना, कई दफ़ा लोगों ने अपनी वेबसाइट प्रोटेक्ट की होती है कि भैया ना आप हमारी इमेजेस चोरी ना करो या डेटा ना यहाँ से लेके जाओ, तो इस तरह की इमेजेस को डाउनलोड करना या फिर उनको अपलोड करने के लिए एक ख़ास तरीका यूटिलाइज करते हैं, तो उसके हम तरीका देखते हैं। अच्छा, तो अल्लाह भला करे मिस चंदा, काइंडली उस बैठने वाली इमेज पर जाना, उस पर जाके राइट क्लिक करें और इंस्पेक्ट करें। नीचे आएंगे तो ऑप्शन आएगा इंस्पेक्ट करने का, थोड़ा सा और नीचे। हाँ, इंस्पेक्ट करो। अभी लेफ्ट साइड पे इसका कोड खुल जाएगा, ये ना एलिमेंट्स के अंदर कोड है। आप इसको थोड़ा नीचे हैंड डाउन कर दो, थोड़ा सा माउस ऊपर लेके जाओ, स्टाइल से ऊपर लेके जाओगे ना तो एरो चेंज होगा आपका। सर एक दफ़ा रिपीट कर दें। जी, मैं आपको गाइड करता हूँ। मिस चंदा, एक सेकेंड अपनी स्क्रीन शेयर करना रोकेंगे आप? ओके, तो अगर हमने प्रोटेक्टेड वेबसाइट से कोई इमेज शेयर करनी है, तो उसका क्या तरीका होगा? मैं जल्दी से आपको करके दिखाता हूँ। ये वो बैठने वाली इमेज है जो मैं लगाना चाहता हूँ अपनी वेबसाइट के ऊपर। तो दो तरीके होते हैं किसी भी चीज़ को शेयर करने के। एक जो ज़्यादा आसान तरीका ये है, ये इमेज है, इस इमेज पे जाओ। मैंने ये एक एक्सटेंशन है कोनो स्निफर के नाम से या कोनो डाउनलोडर के नाम से, इसके ज़रिए से आप लिंक उसकी निकाल सकते हो। और जो अगर आपके पास ये एक्सटेंशन नहीं है, तो उसका जो देसी तरीका है वो मैं आपको सिखा देता हूँ। इमेज पे जाके राइट क्लिक करो, इंस्पेक्ट पे दबाओ। यहाँ तो समझ आ गई सब दोस्तों को बात? यस जी, सर। जब एक दबाओगे तो ये आपके पास कोड खुल जाएगा उस पेज का, ठीक है? अब आपने उस कोड को यूटिलाइज करते हुए उस इमेज का लिंक निकालना है। ये एलिमेंट्स, स्टाइल्स और कंसोल, इसमें एलिमेंट्स वाले सेक्शन के अंदर आपको उसका कोड मिलेगा। अब यहाँ से भी ले सकते हो, और इसके अलावा इसका होता है सोर्सेज वाला एरिया, वहाँ से भी ले सकते हो, बट हम एलिमेंट्स वाले से निकालना सीखते हैं। इस पर क्लिक किया मैंने, और जो इस चीज़ का मुझे वो इमेज चाहिए उस पर मैंने क्लिक कर दिया। अब उसने मुझे लिंक दे दिया, उसकी वजह यहाँ से तस्वीर आ रही है। ये लिंक दिखाई दे रही है सब दोस्तों को, स्टैटिक वगैरह? यस हाँ, सर। इस यस पर सर। मैंने डबल क्लिक किया। अब मेरे पास इसका कोड खुल गया। मैं यहाँ से सिंपली इसको कंट्रोल सी करके या कंट्रोल एक्स से कॉपी कर सकता हूँ। लिंक कॉपी हो गया मेरे पास। अब मैं इसको जहाँ पे भी पेस्ट करूँगा तो भैया ये हमारी तस्वीर खुल गई। मुबारक हो सबको, समझ में आई बात? सब दोस्तों को समझ में आ गया? कोई क्वेश्चन है जी कुछ भी? सर। यस सर। गुड। नो अच्छा, मैं अगेन बता दूँ, जब आप पहली दफ़ा खोलेंगे ना, तो आपका मेन्यू जैसा मैं इस तरह दिखाई देगा। आपका ना ये वाला जो मेन्यू है, ये थोड़ा सा ऊपर होता है यहाँ पे करके, तो आपको यहाँ से पकड़ के थोड़ा सा नीचे करना होता है, ताकि आपको ये वाला मेन्यू, ये वाला मेन्यू, ये वाला दिखाई दे। ये HTML कोड होता है, ये CSS कोड होता है, यहाँ पे अगर आपने कुछ और लेके आना तो वो होता है कंसोल वगैरह, ठीक है? चलें, अब खटक साहब ये कमाएं चंदा से। आप चंदा गेन सर, शेयर स्क्रीन। जी, पूछें क्या ओके क्वेश्चन सर। है? मैंने ये पूछना था कि जब हम इस तरीके से इमेज को कॉपी करते हैं तो वो एज इट इज रहती है, मतलब उसका रिजल्ट अच्छा होता है, जी, पिक्सल्स? पिक्सल नहीं फटते। यस, ओके सर। और वैसे भी जो प्रोडक्ट इमेज होती है ना, उसके थोड़े पिक्सल फट भी जाएं तो इतनी सी खैर होती है। बैनर इमेज के पिक्सल नहीं फटने चाहिए, क्योंकि वो ज़्यादा बड़ी होती है। जो प्रोडक्ट फोटो होती है वो छोटी सी ओके सर। दिखती है, तो उसमें मसला नहीं आएगा। चलें जल्दी से इधर अपनी शेयर स्क्रीन करें। खटक साहब, जी अभी ये नीचे ड्रैग करें इसको।
इमेज पे क्लिक करें, रुके रुके, अरे बॉडी बॉडी ओपन करें इसकी भी। एक सेकंड को चंदा, पहले ना इंस्टेंट क्या, पहले जाए इमेज पे क्लिक करो, पहले आपको सिलेक्टर क्लिक करना है एलिमेंट्स के साथ ना, एलिमेंट्स को चले, उसके लेफ्ट साइड पे एक टैब है जिसके ऊपर एरो बना हुआ है डॉटेड वाला, उसे दबाओ। जी बस अब यही मैंने कौन से की बताई है, एलिमेंट्स का जो टैब है ऊपर उसके साथ एक एरो बना हुआ है लेफ्ट कॉर्नर को जो जा रहा है, और उसके एक डॉटेड डब्बा है उसको दबाओ पहले। हाँ जी वाला हाँ बस दब जी गया दब सर गया दब गया। अब आप जाओगे ना इमेज के ऊपर और इमेज को जाके क्लिक करोगे तो वो उसका जी कोड सर खोल के दे देगा आपको, सेलेक्ट करके दे देगा। हाँ जी अब आपने सही किया, खटक सर समझ में मैंने क्यों ये तो करवाया है। अब एक मिनट रुको, जी सर, क्या गलती कर रहे थे आप पहले? सर वो असल में हमने कर्सर सेलेक्ट नहीं किया था कि हम जिस चीज को सेलेक्ट करें उसका कोड नहीं खुलेगा। एग्जैक्टली, शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड, यही मैं सुनना चाह रहा था। तो मिस ने सही जगह पे क्लिक किया कैसे से, तो उसका कोड खुल के आ गया। अब आगे मिस जी सर, मजिया आप बताओ कि ये तस्वीर का कोड मैं अपनी वेबसाइट पे कैसे शो करूं। मिस अनुष आप हैं हमारे साथ क्लास में, यस आप गाइड करें आगे। सर, ये सोर्स से जो आगे कोड लिखा हुआ है ना, इसको कॉपी करना है आपने। इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल प्लस सी करना है। सादा टिश्यू देना, कौन सा? वो टिश्यू, अब यहाँ पर ये टी शर्ट वाले थैंक इमेज यू। वाले आपने कॉलम में इसको पेस्ट करना है। कंट्रोल प्लस वी करते हैं। जी सर, गलती हो रही है, क्या गलती हो रही है? आप लोग बताएं, कोई बता सकता है क्या गलती कर रहे हैं अभी हम? बोलो उन्होंने लिंक कॉपी किया सर। ये आप पहले से करें ना, यमुना, इन्होंने वहां से पहले कॉपी किए फिर यहाँ से रिमूव किए ना, तो जी आप पहले इसको यहाँ से रिमूव करो फिर उधर से कॉपी करें और फिर इधर पेस्ट करें तो हो जाएगा। चलो चंदा मिथि यमुना गाइड कर देते जाए उन्हें। मिस ये बना गाइड करे ना, जी इसको कॉपी कीजिए कर लिया। और अब इसको इधर पेस्ट कीजिए। क्या गलती है अभी भी? ये सोर्स भी साथ कॉपी हुए सर। जो यूआरएल है ना वो नेकेड होनी चाहिए गाइस, अगर आपकी यूआरएल नेकेड नहीं है तो सर ये भी आपकी, मूव होगा ना, जी ये जो बिल्कुल लास्ट बिल्कुल पे। बिल्कुल बिल्कुल, जी ये ना नेकेड यूआरएल होती है जो प्योर यूआरएल हो, ठीक है? जैसा नेकेड वायर होती है ना जो कि प्योर वायर होती है, उसके ऊपर कोई कवरिंग नहीं होती है, उस आपकी यूआरएल जो है वो भी नेकेड होनी चाहिए, उसके आगे उसके पीछे कुछ नहीं होगा और प्योर यूआरएल हो, जैसा कि अभी हो चुकी है, ठीक है? चले आगे चले, ये हमारा एक प्रोजेक्ट अभी कंप्लीट हुआ है और हमारी क्लास खत्म होने वाली है। जी सर, गाइस आज हमारी आखिरी क्लास थी इस कोर्स इस सब्जेक्ट के पर, स्पेड सिंपल के पर, आज के बाद हमने स्पेड सिंपल को छेड़ना भी ओके नहीं है। ठीक है सर। उसकी वजह ये है कि स्पेड सिंपल ना एक इंतहाई बच्चों वाला और इजी चीज़ थी, इसे करने का मतलब जी ये था सर, ताकि आपको बेसिक वेब डेवलपमेंट का आइडिया हो जाए। अभी आगे दिनों में हम थोड़ा एडवांस वेबसाइट डेवलपमेंट को सीखेंगे, जिसमें हम सीखेंगे ओके सर, शॉपिफाई के ऊपर वेबसाइट कैसे बनानी है, ठीक है सर,
और उसके लिए ना हम सब लोग एक काम करेंगे, हम पहले ही फेक वेबसाइट्स बनाएंगे 3 दिनों के अंदर, और फिर बाद में अगर आप में से कोई प्रोफेशनल लेवल पे करना चाहेगा और उसे वो चीज़ पसंद आएगी तो हम उसे एडवांस लेवल पे भी सीख लेंगे, वरना वैसे अगर आपको बेसिक लेवल पे भी आ जाए तो काफ़ी है, ठीक है ना? ठीक है सर, ओके ठीक है सर। ओके तो गाइस अभी ना हमारी क्लास में 5 मिनट हैं, अभी तक किसी को कोई क्वेश्चन है तो काइंडली बता दें हमें, मुझे कि सर ये वाली बात तुम्हें समझ नहीं आई, ये ऊपर से चली गई है या इसका वजह क्या थी। हाँ सर, जी जी अमना सर वो जो अभी इन्होंने जो लिंक यहाँ पे पेस्ट किए हैं ना, जी तो उस टाइम आपकी आवाज़ नहीं आ रही थी, तो हमें इसकी समझ नहीं कि इन्होंने मतलब कौन सी इन्होंने लिंक उठाई, या शायद आप नॉन कोडिंग का बता रहे थे, पता नहीं क्या था, आई डोंट नो, तो काइंडली उसको थोड़ा समझा दीजिए। जी जी श्योर श्योर बेटे साहब, कर लिया। आप बता सकते हैं मिस यमुना क्या कह रही है? जी जी सर, ये पूछ रही है क्योंकि जब ये मिस ने मिस चंदा ने कॉपी किया था लिंक, तो उसके साथ वो सोर्स और वो कॉलम्स में था लिंक, तो वो लिंक पर हम डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते, हमारा लिंक नेक्ड होना चाहिए, मतलब उसके नेकेड आगे पीछे कुछ नहीं चाहिए, नेकेड होना नेकेड चाहिए। जी जी, अच्छा उसके अभी आगे सेट, पीछे ओके कुछ गुड। नहीं होना चाहिए। अनुष आप कॉल पे हो, यस सर। जल्दी से मुझे शुरू से लिंक कॉपी करना सिखाओ। सर जैसे हमने दराज पे लिंक कॉपी किया है, तो सबसे पहले हम जब उसकी पिक्चर पे जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, इंस्पेक्ट को दबाएंगे, वहां से उसका कोड आ जाएगा, एक सेकेंड उस कोड एक में से सेकेंड एक सेकेंड हम अनुष रुको, जी जब ना यहाँ तक आप फॉलो कर रहे हो यहाँ ये सब पता नहीं चला क्या बात हो रही है, जी जब आप फॉलो ना करो ना, जब आपको लगे ये क्या बात कह दी है अनुष ने, तो बता देना। ओके जी ठीक चलो है। अनुष प्लीज कंटिन्यू, आपसे ही बता रही हूँ। उसके बाद इंस्पेक्ट में जाके जब उसका कोड आ जाएगा, तो वहां से टाइटल बार नीचे करके हमने स्टाइल्स में जाना है, वहां पर नहीं इमेज का गलत लिंक गलत हो गया, एलिमेंट्स क्या गलत हुआ है? में, सर एलिमेंट्स वो में कर्सर जाना, सिलेक्शन एलिमेंट्स में जाना है, सही बता रही हूँ हाँ ना? अब सही है, आगे बताओ। और उसके बाद वहां से सोर्स में जो लिंक है उसको पेस्ट, उसको कॉपी कर लेना, गुड, और एक यहाँ मिनट रुको पर एक मिनट रुको, आपने एक चीज़ छोड़ दी है खटक साहब, क्या छोड़ा है इसमें? सर वो कर्सर सिलेक्शन जो भी हमने ट्राई करते हुए छोड़ दिया गुड था। गुड गुड वेरी गुड। तो बेसिकली ऊपर एक सिलेक्शन का आइकॉन होता है कर्सर सिलेक्शन का, उसको दबाते हो आप, उसके बाद जाके आप इमेज पे क्लिक करोगे तो कोड खुलेगा, यहाँ वो चीज़ खुलेगी जिसका कोड आपको चाहिए, ठीक है अनुष? यस सर। गुड गुड, अब आगे सही बता दो, आगे चलो। आगे यहाँ पर आकर जो इमेज का ऑप्शन है, इस पर हम जिधर भी हमने पेस्ट करनी होगी वहाँ Ctrl+C Ctrl+V कर देंगे, जी और वो पेस्ट हो जाएगा, लेकिन लिंक जो है वो बिल्कुल नेकेड होना। गुड गुड, चलें अब मैं जल्दी से कहता हूँ ताकि कोई बच्चे को कोई ये रहे ना कि भाई ये क्या हो क्या गया मेरे साथ। लेट मी नो व्हेन यू कैन सी माई स्क्रीन। ओके गाइस मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है जी सर सबको, नजर आ रही है। जी सर जी ये रेड कलर का बैटमैन भी दिखाई देता है। जी गुड, अब मैंने इस बैटमैन को खोलना है, मैं क्या करूँगा, मैं राइट क्लिक करूँगा और दबाऊँगा ये इंस्पेक्ट वाला बटन, दिखाई दिया सबको, जी दबाया यहाँ पे सर खुल गया मेरे पास प्यारा सा कोड मेरा। अब मुझे चाहिए सिर्फ ये वाला बैटमैन, इस इमेज का कोड चाहिए, तो मैं ये यहाँ पे आइकॉन होता है, इस आइकॉन को कहते हैं सेलेक्टर, आप इसको दबाओ या कंट्रोल शिफ्ट सी दबाओ, तो ये आपका जो ये अभी आप देखो ये अभी डॉट आ रहा है टच वाला, इसकी जगह फिर चेंज हो जाएगी, ये जब मैं दबा के आऊँगा तो ये देखोगे अब इसकी जगह कर्सर आ रहा है, अब कर्सर से मुझे जिस चीज़ का कोड चाहिए आप देखो राइट साइड में उसका कोड चेंज हो रहा है, तो मैं उसके कोड पे क्लिक करूँगा और उसका कोड शो हो जाएगा, अब ये कोड मेरे पास शो हो गया है, सही है? यस जी सर। अब मुझे कोड चाहिए, मैं इस कोड को क्लिक करने के लिए जल्दी से करूँगा, मैं यहाँ से डायरेक्ट लिंक पकड़ लूँगा यहाँ से लेकर PNG तक, बाकी का कोड क्यों नहीं पकड़ा मैं ये अपना, जी नहीं बताओ मैं SIC को क्यों नहीं पकड़ा, ये कोटेशन मार्क्स को क्यों नहीं पकड़ा था, शायद नेकेट की वजह से। एक्सप्लेन करो ना भाई कि नेकेड क्या चीज़ है और उसका उसी को क्यों डाल रहे हैं, SIC के साथ क्यों नहीं डाल रहे हम, आई डोंट नो चलो कोई और एक्सप्लेन करना चाहेगा? जी सर। सर हमारा लिंक प्योर होना चाहिए, उसके साथ आगे पीछे कुछ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नेकेड होना चाहिए, शाबाश अगर उसके साथ शाबाश, कुछ होगा तो वो लिंक ओपन नहीं होगा, कोई हाइपन होगा, एग्जैक्टली कुछ भी एग्जैक्टली, होगा, कुछ और लिखा होगा तो नहीं होगा ना। बिल्कुल बिल्कुल, ये जो मैं आपको असूल बता रहा हूँ ये सिर्फ इस वेबसाइट के लिए या इस प्लेटफॉर्म के लिए नहीं है, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड यूनिवर्सल होता है कि जब भी आपने कहीं पे लिंक मांगी जाए ना तो लिंक हमेशा नेकेड डालनी है,
अगर उसके आगे पीछे ऊपर नीचे कोई भी चीज़ आप डालोगे तो लिंक काम करना बंद कर देगी। ये बात सब दोस्तों को समझ में आ गई है? जी सर, शाबाश शाबाश। सर जी जी बताएं, कोई क्वेश्चन है किसी को? सर मुझे वो भूल जाता है बार बार, जब हम बना लेते हैं एक वेबसाइट को पब्लिश करने के बाद जब शेयर करना होता है ओ तो गुड, वहाँ वेरी गुड भूल पॉइंट। जाते जल्दी से हैं। शेयर करें, हम इसको लाइव करना सीख लें जल्दी से। ये तो हम मेन टास्क तो भूल ही गए। जल्दी से अपनी स्क्रीन शेयर करें, हमारे पास टाइम कम है। अच्छा मिस मजिया, जल्दी से ये जो हमने डेटा चेंज किया इसको लाइव करवाएं। अब आपने वापस यहाँ पे आके सेफ का पर सेफ क्लिक करो पे शाबाश। पब्लिश, ये सेफ अब पब्लिश हो गया। अब इसको ओपन ओपन क्लिक करो, कॉपी कर लिया ऐसे भी ओपन हो जाती एक ही है बात है, मसला नहीं है। और ये आपका स्टोर आ गया। मेरा बैटमैन कहाँ है? मुझे बैटमैन दिखाओ। सबसे टॉप पे फर्स्ट पे सर, गुड। बैटमैन की पैसेस कहाँ हैं? चंदा ये आई गई यही दबा दो इधर ना ताकि मुझे इधर। पैसेस वगैरह तो दिखाई दे। गुड। अच्छा टी शर्ट पे क्लिक करो, ऊपर 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 ऊपर। हाँ इस काली टी शर्ट पे क्लिक कर। शाबाश शाबाश, कर ले भाई। टी शर्ट के ऊपर मिस चंदा, ये इसके ऊपर ना टी शर्ट के ऊपर जो लिखा हुआ है टी शर्ट, इस पर क्लिक हो रहा है? नहीं हो रहा। चलें आई गेस इसमें वो हमें अपडेट करना पड़ेगा। चलो एक सेकंड रुको, यहाँ तक हम सब दोस्तों समझ में आ गए हमने कैसी चीज़ें चेंज की। क्वेश्चन है तो पूछ ले अभी। क्लियर है सर। सर एक और चीज़ मैंने पूछनी थी सर, इसमें हम क्या रसोल वगैरह नहीं ऐड कर सकते हैं इनके नहीं, जो इसके अंदर टैबलेट नहीं कर पर सकते। वेरी गुड क्वेश्चन। ये जो है ना, इस पेट सिंपल के डिज़ाइन उन्होंने बना के दिया, उसमें वही चेंजेस होंगे। बट ये हमारा बेसिकली स्टेपिंग स्टेप था। ये हमने अभी केजी क्लास पढ़ ली, अभी हम आगे थोड़ा एडवांस क्लासेस पढ़ेंगे जिसमें शॉपिफाई आ जाएगी। इंशाल्लाह सर, और इंशाल्लाह। शॉपिफाई के बाद उसमें आप ये सारे काम कर सकते हो। उसके बाद हम उससे एडवांस हो जाएंगे, फिर हम सीखेंगे वर्डप्रेस से ये सारा काम कैसे करना है। उसके जी बाद फिर हमारा वेबसाइट डेवलपमेंट वाला मॉड्यूल कम्प्लीट हो जाएगा। ठीक है, किसी को कोई क्वेश्चन है? नो सर। गुड। ओके गाइस, कल को हमने शॉपिफाई का मॉड्यूल शुरू करना है। शॉपिफाई के ओके मॉड्यूल के अंदर हम सीखेंगे कि शॉपिफाई का आपने वो मुफ्त का कैसे लेना है, ट्रायल कैसे लेना है, उसके अंदर वेबसाइट कैसे बनानी है, उसके अंदर हमने चीज़ें कैसे चेंज करनी है। तो उसके लिहाज से मैं अभी ग्रुप में कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, कुछ बातें करूंगा, आप लोग काइंडली पार्टिसिपेट कीजिएगा। एंड ओके सर, सेकेंडली ओके सर, एक हो चीज़ हो, हम कल सीखेंगे कि फेक ईमेल्स को कैसे यूज़ करना है। ईमेल फेक का कॉन्सेप्ट हम सब दोस्तों को हम कल उसको ना डील करेंगे। ठीक है, ओके सर, ओके।